चल दिए तुम कहाँ पे, देखो यहाँ के रास्तों में। सफरनामा की दूसरी किस्त में हम आपको एक तारीखी मुकाम की कहानी सुनाएंगे। संस्कृत जबान का लफ्ज है जिसके मायने है वो कुआं जिसका रास्ता सीढ़ियों से बना हो, और ये मुगलिया दौर में पानी के फकदान वाले इलाकों में तामीर किए गए थे। कुदरती पानी की सतह तक आसानी से रसाई के लिए पुराने मुसाफिर रास्तों में कुओं के लवाजमात के बगैर, यानी पहिए, रस्सी और प्याला वगैरह के अलावा भी बासानी पानी तक रसाई मुमकिन होती थी, और इसके अलावा पोस्टल सर्विस और घोड़ों के तबादले के लिए भी इस्तेमाल होता था। बरसगीर के मुख्तलिफ इलाकों खसूसन गुजरात में तवील अरसे से तामीर की गई थी। ताहम गुजरात में कोई भी मुफीद ढांचा इस दौर की फनी माहौल की नुमाया मिसाल नहीं देता है, जितना कि तामीराती सलूक मगरबी हिंदुस्तान के कस्बे की एक मुश्तरका खूबी को दिया गया है। पेशावर में बोरी चमकनी के मुकाम पर मुग़ल के दौर में तामीर किया गया था, जबकि दीगर तख्तियां बरतानवी दौर में तामीर की गई हैं। ये पेशावर शहर से करीब 12 किलोमीटर के फासले पर खेतों में चमकनी से मेरा कचौड़ी जाने वाली सड़क पर वाकिया है। ये दो मंजिला गुंबद नुमा इमारत है। ग्राउंड फ्लोर एक मुरब्बा कमरे पर मुश्तमिल है जिसमें चारों तरफ मेहराबों के दरवाजे के साथ बड़े पैमाने पर दीवारें हैं और एक गुंबद के ज़रिए ऊपर का अहाता किया गया है। छत एक छोटी सी गुंबद पर मुश्तमिल है। शुमाली कोने में मोटी दीवारों के अंदर एक सीधी सीढ़ियों के ज़रिए ऊपर की तरफ पहुँचती है, और एक रास्ता सीढ़ियों के ज़रिए नीचे कुओं की तरफ जाता था। अब कुएं का सुराख नहीं मिलता क्योंकि ये कुछ साल पहले खेतों के मालिक ने भरा था, लेकिन इस ढांचे के शुमाल मगरबी जानिब से सीढ़ियाँ शुरू होती हैं जो कि अब बंद हैं। डायरेक्टर आर्कियोलॉजी खैबर पख्तूनख्वा से मशीर वज़ीर आला वजीर ज़ादा बाई के तवसित से मुरम्मत और मज़ीद तज़य्युल आराइश की बात हो चुकी है। ये थी सफ़रनामा की दूसरी किस्त। हम आपसे मिलेंगे अगली किस्त में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।